हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग का ट्रिप क्या है, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं एंड क्या क्या वहाँ पे करने वाले हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, सब डिटेल्स आपको इस ब्लॉग में देंगे। एंड वी आर सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिप टुगेदर। सो गाइस, लेट्स गो। 75 कौन सा तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा एंड हमारा था ताज एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से चलती है। सुबह हम लोगों का कितने बजे ट्रेन था पता नहीं, कितने बजे था? अरे 7:11 समथिंग। हाँ, 7:11 को था हमारा निजामुद्दीन से ट्रेन और ये ट्रेन खुलती है न्यू दिल्ली से लेकर आगरा तक जाती है, पर हम लोग उतर गए मथुरा में और अभी हो रही है 8:55। 8:55 को मथुरा पहुँच चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे वृंदावन। ये स्टेशन कौन सा है? मथुरा जंक्शन। हाँ, अभी यहाँ से हम लोग को जाना है वृंदावन और कहाँ बरसाना तो भी लेट है वैसे। वृंदावन जाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को ऑटो लेना है तो फिर देखते हैं बाहर जाके क्या कॉस्ट पड़ती है ऑटो की एंड आप सभी को बताते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे और मथुरा स्टेशन से हम लोगों ने लिया था ऑटो वृंदावन के लिए। ऑटो के लिए बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे अप्रोच करेंगे, बहुत सारे लोग आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मांगेंगे, लेकिन आपको वहाँ से नहीं करना है। अगर आप लोग बहुत सारे लोग हैं तो आप लोग एक ऑटो बुक कर सकते हैं, आपको 150 तक पड़ेगा। और मथुरा स्टेशन से वृंदावन की डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और उसके बाद अगर सिंगल है आप तो आप ऑटो चेंज वेंज करके जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक ऑटो बुक कर ही लें। पूरा वृंदावन रोड पे आपको देखने को मिल जाएगा पागल बाबा का मंदिर और यहाँ का बहुत मान्यता है, लोगों का मानना है कि इनके वॉल्स पे अगर आप अपनी विश लिख दो तो वो पूरी हो जाती है। लोग बहुत मानते हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं अपनी विश पूरा करने के लिए। वृंदावन काफ़ी सुंदर है, मैंने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की है बट यहाँ का वाइब्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड पॉजिटिव था गाइस। आप इमेजिन करो कि हम लोग वहाँ घूम रहे हैं जहाँ कृष्ण जी का घर है एंड वो इन गलियों में खुद घूमा करते थे। नहीं, मुझे नहीं लगवाना। तो हम लोग अभी है बाके बिहारी टेंपल के स्ट्रीट्स में। हम लोगों ने बहुत पहले ही अपने शूज़ वगैरह उतार दिए थे क्योंकि आपको बहुत दूर से ही चल के जाना पड़ता है। बहुत लोग तो और भी 2-3 किलोमीटर तक चल चल के जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ऑटो को लास्ट स्टॉप किया था, उसके बाद हम लोग पैदल चल के जा रहे थे। और आपको अपने शूज़ को सबमिट करना होता है वहाँ पर, अपने हिसाब से सेवा में पैसे दे सकते हैं, कोई भी आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांगता, आप अपने हिसाब से लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से फ्लावर पेड़ा प्रसाद वगैरह लिया था, बहुत सुंदर थी गली। मेरे को देखो बनाते बनाते जा रहा है वो, देखना एग्जांपल दिखेगा। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोगों को तो हम लोग जा भी नहीं पाए, मतलब बाहर से देखना पड़ रहा था सब कुछ। और अगर आप अपना फ़ोन ज्वेलरी कुछ भी कैरी करते हो तो उसको बहुत संभाल के रखिए, फ़ोटो खींचना अंदर अलाउड नहीं है। लोग ना भगवान जी को देख के बहुत कुछ रो रहे थे, अंदर लोगों की आँखों में आंसू थी, वो देख के बहुत ही ज़्यादा प्योर लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत था वो पल।
आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग चले गए थे चौपाटी, क्योंकि मुझे वहाँ का कचौड़ी खाना था। एज़ यू नो गाइस, मथुरा में पेड़ा, कचौड़ी एंड लस्सी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये चौपाटी बस स्टैंड के पास ये रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगी, ये भी काफ़ी फेमस है वहाँ से। सो गाइस, एक्सप्रेस में पहुँचने के बाद अभी हम लोगों ने कुछ खाने को ऑर्डर किया है, टेस्ट कैसा होता है। तो गाइस, हम लोगों ने ऑर्डर किया था सॉफ्ट कचौड़ी। कचौड़ी वॉज सो क्रिस्पी एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सो मथुरा जाए एंड लस्सी ना पिए तो हो नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा थीक थी लस्सी, काफ़ी अमी थी। मैं तो और भी बहुत बार पीना चाहूँगी। उसके बाद हम लोग गए थे प्रेम मंदिर एंड द व्यू वॉज सो अमेजिंग, सो सूथिंग। हम लोगों ने अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं होता है। और द नेचुरल वाइब वॉज सो प्योर। और उसके बाद चौपाटी पे क्या हम लोगों ने ड्रेस चेंज एंड निकल चुके बरसाना होली खेलने के लिए। बरसाना का डिस्टेंस है वहाँ से कम 45 किलोमीटर। वहाँ से आपको एक और भी एक्स्ट्रा ऑटो बुक करना पड़ता है। हम लोगों ने ऑटो बुक किया था, जिसका कॉस्ट पड़ा था हम लोगों को 500 रुपीज़ जाने का एंड 500 रुपीज़ वापस आने का। उसके बाद वहाँ पहुँच के भाई साहब, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, पैर रखने की जगह नहीं थी। Everybody is showing colors on us. इधर साइड है भाई, मैंने वो नहीं देखा, इधर साइड। So we are just at our destination. Out, pause, धीरे से. And just look at the crowd. Oh my God. इतना भीड़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। लास्ट में देख रहे हो आप, हम लोग ऑटो में एंजॉय करते वापस आ रहे थे और बिल्कुल भूत बन गए थे। हमारे बालों में रंग की होली के कलर की पपड़ी जम गई थी एकदम से, और भूत बन गए थे बिल्कुल। खाने को तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, आप पहले से ही सुबह आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पे बहुत मुश्किलात झेलोगे आप। मतलब ऐसी होली मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। सब आपको इधर उधर से कलर फेंकेंगे, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद फिर वापस हम लोग ट्रेन पर आ रहे थे और हम लोग ट्रेन छूट गए थे। हम लोगों की 8:30 बजे की ट्रेन थी और हम लोग फिर 9:30 बजे दूसरे ट्रेन पर आए थे बिना टिकट। वहाँ पर उसका टिकट नहीं था हमारे पास, तो हम लोग को बाहर गेट पे बैठ के आना पड़ रहा था। और कोमल एंड प्रतिष्ठा को देखो, आप सो रही थी और मैं बड़ी होने के नाते इनको प्रोटेक्ट कर रही थी। वाह गाइस, फाइनली रात के 11:30 बज रहे हैं, गला एकदम से ख़राब हो चुका है। और दिस इज हज़रत निज़ामुद्दीन, यहाँ से ट्रिप स्टार्ट हुई थी एंड यहीं पे आके ख़त्म हो गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।